हाँ जी बताओ बेटी पढ़ाओ लिंग अनुपात 871 पर था, पेट में सबसे नीचे था, 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं, पेट में सबसे ऊपर बड़े मैदानी राज्यों में। मित्रों ऑनलाइन ट्रांसफर शून्य थी, आज 65,000 लोगों की ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुकी है। आशा वर्कर को 500 रुपया मिलता था, आज 4,000 रुपया मिलता है। आंगनबाड़ी सहायक को 3500 मिलता था, 10,286 सरकार देती है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी 10,000 रुपया देती है और सही और परिवारों की मदद से भी सैनिक और अर्धसैनिक बल के परिवारों को 20 लाख रुपया मिलता था। ये वीरभूमि के मुख्यमंत्री ने 20 लाख को बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक शहीद के सम्मान प्रति व्यक्ति आए। जो राज्य कैसा चलता है उसकी झोकर होती है। पहले प्रति व्यक्ति आए 1,45,000 रुपया थी और आज 1,35,000 से बढ़कर 2,26,644 रुपया करने का काम मनोहर खट्टर की सरकार। हरियाणा के अंदर 24 घंटा बिजली स्वप्न थी, आज 8 जिले और 4,000 गांव में 24 घंटा बिजली पहुंच गई। जो किसान को गन्ने गेहूं बाजरा सूरजमुखी लगभग 200 गुना समर्थन मूल्य देने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। प्रति व्यक्ति दूध की खपत जो सूप को दर्शाती है, पहले 747 ग्राम था, अब 1 लीटर से ज्यादा 25% की बढ़ोतरी मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। और बिजली पर दर्जा सरकार का 77 पैसे से 1.32 रुपये तक था, आज 77 और 1.32 मिले बिठाकर 33 पैसा दिन बिजली पर दर्जा करने का काम मनोहर लाल सरकार। जो नीचे आपने मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनाई और ऊपर मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी का हरियाणा के लिए जो प्यार है वो कोई छिपा प्यार नहीं है। मोदी जी हरियाणा को अपना राज्य मानते हैं, हरियाणा के विकास। मैं किस चीज की बात करता हूं, 34 साल यहां बैठे हैं, 64 फुट का दीन बंधु छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हिस्सा के अंदर बहुत जल्दी एविएशन सेवाएं एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और हिस्सा भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो। इस तरह से 200 करोड़ के निवेश के साथ हिस्सा एयरपोर्ट को बनाए। 35 किलोमीटर लंबी 3 हाथी रेल लाइन और 900 करोड़ रुपया उस पर लगाया। जींद रिंग रोड बाईपास का निर्माण पूरा होने वाला है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, 3 साल के अंदर पूरा होगा। जींद से सोनीपत तक ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। 509 करोड़ की लागत से पुराने सोनीपत जींद तक जुड़ी हाईवे को फोर लेन करने का काम भी हाथ से ले लिया है। जींद से पानीपत और जींद से दिल्ली रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। 1 ही साल के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। जींद से बठिंडा तक की रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिक लाइन बनने वाली है। जींद शहर में 3 बड़े ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। आप वक्त डालोगे तब तक उस पर आपकी ढाई जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम। 2 अंडरपास बनाए हैं और 400 करोड़ की लागत से जींद में पानी लाने के लिए कैनाल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। मित्रों जींद शहर में
मेरे बच्चन का काम पूरा हो गया है। स्टेज हाईवे 10 का निर्माण 135 किलोमीटर जो दिन परवाला अमरोहा आजमपुर और भाजपा को जोड़ता है वो भी शुरू हो चुका है और हॉकी स्टेडियम का निर्माण भी 10 करोड़ के